मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बीत गई दिवाली, तो 2021 के शानदार रिजल्ट के बाद 2022 की जर्नी स्टार्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों के फोन मैसेज, सर फुल लेंथ फुल लेंथ फुल लेंथ, तो लो भाई आ गया फुल लेंथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। नीट 2019-20 का जब पेपर हुआ, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे जिनके जो स्कोर करते थे 570, 580, और ये बच्चे कोचिंग में आकर एडमिशन लेते थे। क्लास में बैठते थे, उनको लगता था उनको तो सब कुछ आ रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस बच्चे के 570, 580 मार्क्स हैं, इनको हम लोग 570 से आगे क्यों ना ले जाएं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़ के उनके 570, 580 मार्क्स आए थे। हम कोचिंग में फिर क्यों ऐसा करें कि फिर उनको नॉर्मल बैच में ABCD से फिर शुरू करें, मतलब एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करा दें। तो ये बच्चों मेरे दिमाग में बात आई, तो मैंने 2021 के लिए शुरू से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू की। ये इसकी आधारशिला है। उसका रिजल्ट क्या हुआ ये आपको हम दिखाएंगे। तो आपके डिमांड के बाद बच्चों फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। आप जरा भी निराश और परेशान मत होइए। अगर आप स्कोर कर चुके हैं 560, 570, 580, तो आप अपनी जर्नी से आगे स्टार्ट करिए, ताकि आप 670, 680, 690, 700 की सीरीज में आ जाएं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आइडिया कैसा लगा। जब मैंने बच्चों 2021 के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू की, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा अभी से फुल लेंथ, अभी से फुल लेंथ। नॉर्मली बच्चों क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है पेपर के पहले, और मुश्किल से 2-4-10 हो जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू से ही क्यों ना की जाए। आप क्यों ना नीट के पेपर के पहले 100-200 पेपर देकर फुल लेंथ, उसके बाद पेपर देने जाए। और इस बार तो हमने एक चीज और देखी कि बहुत सारे बच्चों ने OMR की फिलिंग में गलती कर दी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आपकी डिमांड के आधार पर बच्चों फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू, और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का सेकेंड ईयर है। प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो वो परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश होती है। खास तौर से नीट 2021 के पेपर के बाद ये समझ में आ गया कि टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए। कभी पेपर टफ, कभी पेपर इजी, कभी फिजिक्स टफ, कभी केमिस्ट्री टफ, कभी बायो टफ, पूरी NCERT बेस्ड। आप लोग चिल्लाते थे बैलेंस पेपर होना चाहिए। देखिए 2021 में फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं थे। तो आप जब फाइनल 2022 की बैटिंग करने जाएंगे, तो हर तरह की गेंद आपको खिला के भेजेंगे। और विश्वास करिएगा, जब इतना शानदार रिजल्ट पहले साल में हुआ, तो दूसरे साल में तो कुछ और होने वाला है। प्यारे बच्चों, जब मैंने ये फुल लेंथ टेस्ट शुरू की, तो मैंने बोला था कि ये मील का पत्थर साबित होगा। इसका रिजल्ट आप लोग देखिएगा। बहुत क्रिटिसिज्म के बाद ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। तो बिना देर किए चलिए हम आपको दिखा देते हैं शेड्यूल क्या है, ऑल इंडिया फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। प्यारे बच्चों, ये 11 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। हर थर्सडे को ये टेस्ट होगा। हमने थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले 11th NCERT PCB, 12th NCERT PCB, 12th NCERT PCB, फिर 11th NCERT PCB, फिर 12th NCERT PCB, और इसके बाद बच्चों ये फुल लेंथ टेस्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस चालू रहेगा, ठीक है ना। और इस तरह से अभी ये हम आपको अनाउंस कर रहे हैं टोटल 25 टेस्ट। लेकिन याद रखिएगा, इस बार भी पेपर आपका मई में होना था, जुलाई में हुआ, फिर सितंबर में हुआ। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपकी कॉन्टिन्यू रहेगी। इसी फीस में आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं जमा करना है। अब इस टेस्ट सीरीज में हम लोग करेंगे क्या क्या, देख लीजिए। पहले आपका हम लोग कराएंगे रैपिड फायर रिवीजन, लेकिन ये रैपिड फायर रिवीजन हमारा अभी एक दो टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि 14 तारीख को बच्चों गेट टुगेदर कर रहे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद से आपका टेस्ट के पहले रैपिड फायर रिवीजन होगा, आपका पेपर होगा, आपका पेपर डिस्कस होगा। उसके बाद शाम को हम आप सबसे जूम मीटिंग करेंगे कि पेपर कैसा था, किस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है। इसके बाद पहले 10 बच्चों को प्राइज देंगे, और फिर इसके बाद रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे कि कौन से सवाल ज्यादातर बच्चों के गलत हुए, ठीक है। और OMR की फीलिंग, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है।
कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, हमें पीडीएफ से पेपर मिल जाए, उसकी बच्चों व्यवस्था कर देंगे। तो बच्चों हिस्ट्री हो गई फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की, शेड्यूल हो गया। अब आप सबके फोन थे सर दिवाली ऑफर दे दीजिए, तो बच्चों लीजिए आपके लिए दिवाली ऑफर है। ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी 2500 की है, ये 2000 रुपये हमने कर दिया है 10 नवंबर तक, डेट याद रखिएगा 10 नवंबर तक। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो बेटा 1000 की थी, इसको हमने 750 कर दिया। करना पड़ता है बेटा, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट सीरीज में, और इस बार तो हमने 25-30 टीचर की सेपरेट ग्रुप तैयार कर लिया है ताकि पेपर में कहीं से कोई खामी ना हो। और विश्वास करिएगा, जब आप फाइनल पेपर देने जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन आपके सामने से गुजरी होगी। इसके बाद बच्चों दिवाली ऑफर के बाद ये बताना जरूरी है कि टेस्ट सीरीज का अचीवमेंट क्या रहा। तो अचीवमेंट में बच्चों आप देख सकते हैं, ये बच्चा है जिसने स्कोर किया था 715। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चे ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था कि नहीं। ये बच्चे के स्कोर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, और ये बच्चे की रैंक है। रैंक से भी परेशान मत होना, देखिए फर्स्ट रैंक भी आई है और 133 रैंक भी आई है यहाँ के टेस्ट में इस बच्चे की। ये तो बच्चों एक क्रिकेट का गेम है, कभी कभी कोई बैट्समैन जीरो पे आउट हो जाता है, कभी वही सेंचुरी लगा देता है। तो डिपेंड करता है कि आप वो मैच पर्टिकुलर मैच कैसा खेलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो और अच्छा स्कोर करते थे लेकिन फाइनल पेपर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए। तो ये बच्चों स्कोर था जिस बच्चे ने ऑल इंडिया में 15th रैंक हासिल की, 715 नंबर। ये बच्चे की बेटा पूरी डिटेल है देख सकते हैं आप, क्योंकि जब ऐसा रिजल्ट होता है तो एक दिमाग में कन्फ्यूजन होता ही है क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद बच्चों इस बच्चे ने जो फीस जमा की थी ये उसका टैक्स एडवाइस है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं इसने ये फीस जमा की थी बच्चे ने, ये इसके टैक्सेस हैं। आगे बेटा देखिए, ये दूसरा बच्चा है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे फोन करके खुद बता रहे हैं। ये बच्चा दिल्ली का है, इसने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, 12th का बच्चा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कर रहा 681। और पिछली बार हम लोगों से हाईएस्ट रैंक से मौलाना आजाद मिला था, इस बार एम्स मिल रहा है देख रहे हैं टेस्ट सीरीज से, और इस बच्चे को मौलाना आजाद मिल जाएगा स्टेट कोटे से। ये बेटा इसका पूरा जो जो टेस्ट दिया, ये डिटेल है उसके टेस्ट की, कुछ डिटेल है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, कैसे आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करेंगे, ये पूरा डिटेल है बच्चों, न्यू लाइट का ऐप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स दिए हैं बेटा कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों कुछ बच्चों ने कमेंट्स डाले थे 715 के बाद, एक बच्चे ने बोला सर हमारे 705 आ रहे हैं, और तमाम वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 700 नंबर भी बच्चों ने अचीव किया है। अब इसके बाद जैसे देखिए, मान सिंह ने कमेंट किया 2 दिन पहले, सर आई ऑल्सो स्कोर 700 नीट 2021, आई एम योर टेस्ट सीरीज स्टूडेंट, वेरी वेरी थैंक्स एनएलआई टीम, बायो 360। तो 360 तो बच्चों बहुत बच्चों के हैं। इसके बाद बेटा और बच्चों ने क्या कमेंट किया है अपने टेस्ट सीरीज के बारे में, अपने यूट्यूब क्लासेज के बारे में, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगली दिवाली बहुत अच्छी होनी है, बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिए। लेकिन एक बात कहेंगे, कोई टेस्ट छोड़ना नहीं, कोई भी टेस्ट छोड़ना नहीं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रॉमिस करो कोई टेस्ट नहीं छोड़ेंगे और नीट 2022 फोड़ेंगे। और अगर हम लोग टेस्ट सीरीज के थ्रू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज पहुंच गए, मौलाना आजाद पहुंच गए, और केजीएमसी में तो पता नहीं कितने दर्जन बच्चे जा रहे हैं, तो बेटा आपके लिए भी ये राह बहुत आसान होने वाली है। तो आपकी डिमांड थी इसलिए बच्चों ये टेस्ट सीरीज हमें तो अनाउंस करना ही था, क्योंकि इतने शानदार रिजल्ट के बाद इस टेस्ट सीरीज के हेल्प से। आगे बच्चों आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे अपने सुपर रैंकर बैच के बारे में, कितने बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं, कैसे हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद कोहिनूर बैच के बारे में बताएं जो हम आगे फार्म करेंगे। सेलेक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, रोज मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। अब हमें ज़रूरत है रैंक की, और ये रैंक तभी आएगी जब अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे।
प्यारे बच्चों एक चीज और बता दें, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, पहला स्टेप आपने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, तैयार कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका लर्निंग फेज है। सेकंड फेज है बेटा, आपसे कोई पूछ ले कि आपको कितना याद हो गया। थर्ड फेज है बेटा, आपने प्रैक्टिस कैसी की। और इस बार नीट के पेपर के बाद बहुत ज्यादा हमें एक बात समझ में आई, दैट इज ओएमआर फिलिंग। बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर गलत फिल किया, एक या दो क्वेश्चन गड़बड़ हो गए उनके। कुछ बच्चों ने तो पूरी की पूरी सीरीज भूल गए कि ओएमआर नहीं फिल कर पाए। तो इस बार पूरा फोकस इस बात पे भी होगा। याद रखिएगा बच्चों, 16-17 लाख बच्चे जो हैं ये 1 से लेके 720 नंबर में फिक्स होते हैं, तो एक एक मार्क्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो फाइनल ओएमआर प्रैक्टिस एंड ओएमआर, अगर आप सेलेक्ट होने वाले हैं, अगर आप बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, और ओएमआर की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज बच्चों परफेक्ट नहीं होती, न्यू लाइट भी परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसको इंप्रूव कर रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, शिक्षक साथियों के, अपने हेल्पिंग स्टाफ के। एक बार फिर से क्लियर कर दे कि जिस बच्चे ने 715 स्कोर किया वो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में नहीं था, वो हमारे यहाँ केवल टेस्ट सीरीज में था। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पिछली बार बच्चों हमने तीन चीज बोली थी, सिलेक्शन 200 पार, हम लोग अब धीरे धीरे 370 प्लस क्लास कर रहे हैं, बायो 350 प्लस, बहुत सारे बच्चों के 360 आ गए। अब की बार 700 पार, इसमें हेल्प किया टेस्ट सीरीज ने। लेकिन अब अगला हमारा स्टेप है, अब की बार 700 पार क्लासरूम से, सुन लो, अब की बार 700 पार क्लासरूम से, और नीट 2022 का रिजल्ट आए तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं। प्यारे बच्चों, उन सारे बच्चों से अपील है जो न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, उससे उनको कितना फायदा हुआ जरूर कमेंट करके कमेंट बताएंगे, क्योंकि उनके आगे आने वाले भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।